ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। पिछली गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने वाली बीजेपी के राज में भी हालात कुछ बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। राजस्थान में नई सरकार बनने के बावजूद भी हालात कुछ ऐसे हैं कि बदमाश बेखौफ हैं। अलवर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने हथियार बेचने के लिए बीजेपी नेता और तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ की पहचान का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायक के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है, फिर इस पेज पर हथियारों के वीडियो डाले गए। इस सोशल मीडिया पेज पर हथियारों के बारे में जानकारी के साथ ही हथियार खरीदने वाले लोगों के लिए फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस पर साइना गुप्ता नाम से यूजर ने हथियार से फायरिंग करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में हथियार में गोली डालते हुए दिखाया गया और उसके बाद फायरिंग की गई। साथ ही इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, अगर मेरे किसी भाई को सामान चाहिए तो व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करे। हैरानी की बात यह है कि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ के नाम से 5 अकाउंट चल रहे हैं और इन सभी अकाउंट्स को वेरीफाई भी किया जा चुका है। भिवाड़ी के एडिशनल SP अतुल साहू ने बताया कि मीडिया की मदद से उनका वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। साइबर टीम की मदद से वीडियो अपलोड करने वाले और सोशल मीडिया पर ये पेज बनाने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही ये पेज कहां से ऑपरेट हो रहा है और कौन लोग इस पेज को चला रहे हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो विधायक जी की जो फर्जी आईडी बताई जा रही है, क्या ये पूरा प्रकरण है और क्या आपने पास जानकारी है? एक फेसबुक पेज पे फर्जी आईडी बना रखी है माननीय विधायक महोदय की और उस पर हथियारों का एक वीडियो शेयर किया हुआ है। इसके संबंध में हमारी साइबर टीम और हमारी जो स्पेशल टीम वो जाँच कर रही है। जो भी जाँच में आएगा उसके अनुसार नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। इसमें तो इसमें विधायक जी की तरफ से कोई FIR या शिकायत इस तरह की कोई दी गई? अभी तक तो शिकायत नहीं दी गई, लेकिन इस संबंध में हमारी चर्चा चल रही है और जैसे भी शिकायत आएगी, जिस भी तरह की शिकायत आएगी, उसको हम नियमानुसार उसको दर्ज करके उसके जो भी ये व्यक्ति जो शेयर कर रहा है या जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड कर रहा है या हथियार के ये शो कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में विधायक जी द्वारा कोई आपसे किसी तरह से संपर्क किया गया इस संबंध में जानकारी को लेकर? नहीं, अभी क्या उनको इस तरह की जानकारी थी पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी उनको जानकारी शायद आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी हमें भी पता चला है और सामान्य विधायक महोदय को भी पता चला होगा। तो इसमें क्या कार्रवाई से आगे हो सकती है इस मामले में? एक बार इसमें जांच करेंगे, देखेंगे कौन व्यक्ति है जो इस तरह का वीडियो बना रहा है, वीडियो डाल रहा है, कौन ये हथियार जो दिखा रहा है, ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। फेसबुक पेज पे सानिया गुप्ता के नाम से पेज बना हुआ है, उससे वो वीडियो उनके पेज पे डाउनलोड की गई। ये वेरीफाई करना होगा कि ये किसका पेज है, किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया और किस तरीके से इस व्यक्ति ने ये वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में बिना वेरीफाई किए कहना उचित नहीं है। तो एक बार वेरीफाई होने के बाद ही हम इसमें आपको डिटेल शेयर कर पाएंगे। पुलिस किस स्टेज तक पहुँची? अभी प्रारंभिक दौर में है और जांच कर रहे हैं उसके पेज वगैरह की, जांच करके जो भी होगा आपको बताएंगे। फिलहाल ये पेज अब सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।